Okay, so the topic of today's discussion is the physiochemical properties. And by physiochemical properties, uh, we uh, we mean the properties that are discussed that are related to the chemical as well as uh, some of the physical properties are also involved in this procedure. Uh, okay, coming towards the first MCQ, the first MCQ for our today's topic is from the biological viewpoint, solutions can be grouped in.

कुछ ना कुछ सर्टन डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके पास जिनके रिजल्ट में सर्टन केमिकल्स और सर्टन एक्सक्रीटेड इन इन यूरिन ठीक है तो वो पीएच के ऊपर इफेक्ट करते हैं ऑब्वियसली वो फिर पीएच को चेंज कर देंगे तो वो कहते हैं एवरेज जो पी होती है हमारे यूरिन की वो सेक्स होती है अगर इससे इंक्रीज करिए या डिक्रीज करिए तो इट इंडिकेट सर्टन डिसऑर्डर ठीक है जिस तरह से अगर आपकी बॉडी आपके यूरिन के अंदर की टोन बॉडी जो है वो रिलीज हो रही है एक्सक्रीट हो रही है तो वो इट इज आल्सो गोइंग टू योर यूरिन आपकी पीए जो यूरिन की पीएच होती है ना वो डिक्रीज डाउन कर जाती है उस स्टेज के अंदर अच्छा जी नेक्स्ट एमसीक्यू इज देंज ऑफ मटीरियल टेक प्लेस बाय अच्छा एक्सचेंज ऑफ मटीरियल मैन मी टॉक अबाउट एक्सचेंज ऑफ मटीरियल तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल विद इन द सेल एंड देयर एनवायरमेंट ठीक है एनवायरमेंट और सेल के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं ठीक है तो जो आपने प्रोसेजर्स पढ़े हैं कि बेटा डिफ्यूजन क्या होती है हाई कंसर्वेशन से लोअर कंसर्वेशन की तरफ मूव करना मटेरियल्स uh, का एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है कि हम लोग जो है एनर्जी को यूज करते हुए आपके पास लोअर कंसेंट्रेशन से मॉलिक्यूल को मूव कर माइंड हायर कंसेंट्रेशन और पीनोसाइटो क्या होती है इज एक्चुअली द अपटेक ऑफ लिक्विड मटीरियल बाय सेल्फ फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ठीक है तो लिक्विड मटीरियल जब इनटेक होगा तो ये भी होता है तो ईच एंड एवरी ईच वन ऑफ दिस प्रोसीजर इज प्रोसेस इज बींग इन साइड द Living system So all of these is the correct option for these uh, for this MCQ. Achhaji, moving toward the next MCQ, the MCQ is the pH of blood is 7.4 when the ratio between H2CO3 and uh, achha, carbonic acid and sodium bicarbonate is. अच्छा अब यहाँ पे ना बच्चे हम लोग बात करते हैं कि आपकी जो बॉडी के अंदर आपके ब्लड के अंदर जो बफर पाया जाता है ना इट इज एक्चुअली बायकार्बोनेट बफर ठीक है बायकार्बोनेट बफर है और साथ उसका जो है ना अः कार्बोनिक एसिड का या फिर आप ये कार्बोनिक एसिड और बायकार्बोनेट आइन भी कंसिडर कर सकते हो ठीक है या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इट इज बायकार्बोनिक का जो है ना बफर आपकी बॉडी के अंदर है जो एग्जिस्ट करता है ठीक है कहते हैं आपकी ब्लड की पीएच 7.4 है तो बेटा इस पीएच को इसी तरीके से हमने मेंटेन करना है हमने मेंटेन करना है है ठीक हमने जो है ना ओबियसैटिकली uh, अपनी ब्लड को की जो पीएच है ना इसी तरीके से मेंटेन किया जिस तरह से नेचुर अल्लाह तला ने बनाई क्रिएटर ने बनाई तो इसके लिए एक प्रोसीजर है प्रोसीजर क्या है कि हम लोगों के पास जो है ना फॉर एवरी वन मोलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड आपका क्या है आपको ट्वेंटी मोलिक्यूल चाहिए सोडियम बायो कार्बोनेट के आपकी जो है ना पीए जो है ब्लड की सेवन पॉइंट फोर पे मेंटेन रहे अगर मैं आपसे बात करूं तो बफर का काम क्या होता है बफर का काम ही ये है कि हम लोग जो है ना आपके सामने बफर का काम ये है कि पीएच को मेंटेन रखा जाए ना पीएच उससे इंक्रीज और ना, ना ही न ही डिक्रीज साउंड करे ठीक है तो बफर का काम ही क्या है पीएच को मेंटेन कर देना और हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने जो नेचुरल बफर बनाया इट इज बायकार्बोनेट बफर या पर कार्बोनिक एसिड और बायकार्बोनेट के कॉम्बिनेशन से बनता है ठीक है और आपने जब कभी बफर बनाना होता है तो हम लोग एक एसिड यूज कर रहे हैं ठीक है अगर एसिड बफर बनाना एक एसिड यूज करें और उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट यूज करें तो एस टी एस टू जीरो that is being used in sodium bicarbonate is the respective uh, salt for that so for each molecule of sodium uh, for each molecule of carbonic acid we are going to use 20 molecule of mm, sodium bicarbonate in order to maintain the ph of the blood at 7.4 which one of the following is, uh, which one of is the heaviest particulate and component of the cell acharya कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं देखो बेटा आप लैब के अंदर ना इक्विपमेंट यूज करते हैं इक्विपमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं हम लोग जो है ना अपने जो है ना कुछ मशीन ऐसी होती है जिसके थ्रू हम लोग जो है मटीरियल uh, को मूव करवाते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन याद आ गया सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जिसके थ्रू तो हम लोग क्या करते हैं हाई स्पीड के ऊपर मूव करवाते हैं तो जब हाई स्पीड के ऊपर चीज मूव कर रही होती है तो जब भी कोई हाई डेंसिटी की चीज होती है बेटा यहाँ तो वो सेंटर के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर चली जाती है पूरे सिस्टम के सेंटर के अंदर चली जाती है इन ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन ठीक है तो इसी तरीके से तो आपके पास यहाँ पे कहते हैं सेल का कौन सा कॉम्पोनेंट है जो सबसे ज्यादा हैवीएस्ट है तो यहाँ हैवीएस्ट uh, है तो यहाँ ज्यादा डेंस है तो आपका जो न्यूक्लियस साइट हैवियस्ट रीजन बी इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल ठीक है और इसी वजह से वो हैवियस्ट भी है जिसकी वजह से सेंटर ऑफ द सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो आपका मौजूद है डिग्रेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिग्रेटिव प्रोसेस आर कैटेगराइज अंडर द हेडिंग ऑफ डिग्रेडेशन मीन्स एक्चुअली ब्रेकडाउन ठीक है हम लोग इसकी ब्रेकडाउन कर रहे हैं हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं बच्चे आपके सामने एक बिगर मोलिक्यूल की डिजेनरेट कर रहे हैं ठीक है और डिजेनरेट कर स्मॉलर मोलिक्यूल बना रहे हैं एंड कहते हैं लार्जर और बिगर मोलिक्यूल इंटर स्माल मॉलिक्यूल इट इज नॉन एज कैटाबोलिज्म करेक्ट ऑप्शन फॉर दट एमसीक्यू इज कैटाफोलिज्म नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू विच वन इज अर्ज पार्टिक्यूलेट ऑफ द साइटोपलिज्म कहता है मुझे बताओ भाई कौन सा ऐसा जो आपका पार्टिकल है वो जो सबसे ज्यादा हम लोगों के पास क्या है लार्जेस्ट है तो हम लोगों का जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्टिकुलेट है आपका अगर बात की जाए तो वो कहता है जो लार्जेस्ट पार्टिकुलेट है हम लोगों का वो है माइटोकॉन्ड्रिया और साइज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना बेटा वो जीरो पॉइंट फाइव मिलोमीटर है और ये आपकी सारी अंदर सबसे ज्यादा बिगर कंसिडर किया जाता है ठीक है जी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट एम सिक्यू इज माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा जी द ऑफ ऑफ ऑस्मोसिस इज ऑपोजिट टू अच्छा अब यहां पे ना हम को समझने वाली बात क्या है बेटा डिफ्यूजन है किसी भी सोल्यूट की मूवमेंट फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन ठीक है जी ये सोल्यूट की मूवमेंट की बात कर रही हूँ मैं आ, लेकिन अगर मैं आपके सामने बात कर लू ऑस्मोसिस की तो ऑस्मोसिस इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट या, हाँ या पे वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एन हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल यहाँ पे यानी यानी जहाँ पे आपका वाटर की कंसेंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है वहां से वहां मूव कर जाए ठीक है जहाँ वाटर की कंसेंट्रेशन कम है ठीक है तो ऑस्मोसिस का फंक्शन और डिफ्यूजन का फंक्शन बेटे दे आर कंसिडर ये दोनों ऑपोजिट है वो हायर टू लोअर है

आपकी जो बात करें तो सैन बिटवीन दैट ड्रॉपलेट एंड एक मीडियम इज डिक्रीज बैट देखो हम लोगों के पास जो फैट्स हैं दे आर पोलर इन नेचर ठीक है और जो आपके वाटर मीडियम है सॉरी फैट्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं और जो आपका है वाटर है इट इज वेरी मच पोलर इन नेचर ठीक है तो हम लोगों के पास क्या है हम लोगों के पास बात ये है कि देखो पोलर और नॉन पोलर क्या है आपस में मिक्स नहीं हो सकते वेल मिक्स नहीं हो सकते तो इनको मिक्स करवाने के लिए क्या होता है हमारे लिवर से जो है ना बाइल प्रोड्यूस होता है

जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से गुजर के आता है तो आपने ना वहां पे एक एंजाइम पढ़ा था जिसको हम लोग कार्नेटीन साइल ट्रांसफरेज कहते हैं क्योंकि ये एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है So protein, protein, molecule, है? और जो है ना इनको क्या करते हैं एक जगह से ये protein, protein का काम क्या होता है, कि है एक को करवाना, trans, जो membrane, उससे गुजारना ठीक है और ये कैरियर प्रोटीन की मदद से गुजरती है ठीक है तो ये इनका काम क्या है इनका काम है फैसिलिटेटेड ट्रांसफर uh, को माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर को करवाना ठीक है मूव करवाना फैसिलिटेड ट्रांसफर करवाना यहाँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है प्रोटीन के मदद से हम लोग क्या करते हैं हम मॉलिक्यूल की मूवमेंट करवाते हैं तो फैटी एसिड जो है माइटोकांड्रिया मेम्ब्रेन से गुजरते हैं बाय द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन दैट इज कार्निटाइन एसाइल ट्रांसफरेज 2 या कैट 2 भी कहते हैं इसको द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट एमसीक्यू इज 2 फैसिलिटेटेड ट्रांसफर द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटैक्ट प्रोटीन फ्रॉम द गट इन द पेटल एंड न्यू बोर्न एनिमल देयर प्लेसेंटा छोटे न्यू बॉर्न जो अभी पैदा हुए हैं उनके अंदर जो डाइट इनटेक करते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन मौजूद है जो इंटैक्ट प्रोटीन थ्रू द डाइट मौजूद है वो इंटैक्ट प्रोटीन है मौजूद है वो एब्जॉर्बन किस तरह से होती है तो वो कहता है ये पिनोसाइटोसिस के थ्रू होती है और क्या होता है इट इज एक्चुअली द अपटेक ऑफ लिक्विड मटीरियल

ये असल में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है आपके सेल ब्रेन की जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट करती है तो असल में हम लोगों के पास लिपिड कॉम्पोजिशन भी है मेंब्रेन में के अंदर और पोर्स भी हैं जिनको प्लास्मोडेस्मेटा कहती हूँ मैं सेल मेमब्रेन के अंदर वो भी मौजूद है

तो हम लोगों के पास जो है ना हम लोगों के पास जो आपका uh, है ना फैटी uh, एसिड uh, uh, जिनकी मैं बात करती हूँ जो लिपिड का एक कंटेंट है उनकी जो ब्रेक डाउन होती है रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी जब अगर मैं आपके सामने बात करूँ ना पार्मेटिक एसिड की तो पार्मेटिक एसिड अपॉन कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फार्मेटिक एसिड इट इज गोइंग टू गिव और डिलीवर नेट वन थर्टी एटीपी हमें देता है ठीक है तो आपको ग्लाइकोलिज की अगर बात कर ली जाए तो एनोरॉबिक दो बन रहे हैं इट इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू वन थर्टी इन द इनटाबोलिजन और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड अच्छा जी विच आर द मीडिएटेड एंटोसाइटो ऑफ लिपो प्रोटीन लिपोप्रोटीन हाइड्रोलाइज ठीक है जी अच्छा एक लिपो प्रोटीन हाइड्रोलाइज है ठीक है कौन सी ऐसी जो जो है ना कोलेस्ट्रॉल हैं कि क्या करते हैं सेल के अंदर एंटर होते हैं? और हम लोग ना रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस क्या होती है मूवमेंट ऑफ मटीरियल फ्रॉम आउटर मेमब्रेन टू मेम्ब्रेन ये तो एंडोसाइटोसिस होगी अब सेल एंडोसाइटोसिस क्या मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस क्या है आपको पता है आर सर्टन There are certain. There are certain. Uh, uh, देर आर सर्टन रिसेप्टर ऑन द सर्फेस ऑफ सेल ठीक है और वो रिसेप्टर क्या करते हैं सर्टन मटीरियल्टर के साथ अटैच होता है तो उन रिसेप्टर के थ्रू वो मटीरियल जो है ना वो इन साइड मूव करता है पहले रिसेप्टर के ऊपर अटैच करेगा फिर उसकी एंडोसाइटोसिस होगी ठीक है तो इसको कहते हैं रिसेप्टर में रिएटेड एंडोसाइटोसिस इन विच दइंड ऑफ एंड इन विच द रिसेप्टर दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेल आर इन्वॉल्व ठीक है the, the kind of endosy, uh, involved, तो वो कहता है कि आपके पास ना Lysosomes क्या है एक्चुअली हम लोगों के पास ना ये एक पर्टिकुलर फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ बायोलॉजिकल या बायोमोलिक्यूल उसकी ब्रेकडाउन के लिए उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं ठीक है तो हम लोगों के पास कौन सा है जो सेल के अंदर एंटर किसे होता है और प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस करता है तो ये आपका Lysosome है ठीक है तो सेल के अंदर और सेप्टम मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस एंटर होगा और आगे जो लिपोप्रोटीन है उसकी जो है ना हाइड्रोलाइसिस करेगा उसकी ब्रेक डाउन करेगा बिकॉज़ इट हैज गॉट द एंजाइम दैट कॉसेस द ब्रेक डाउन ऑफ सर्टेन मटेरियल ऑल ऑफ द फॉलोइंग अकर रैपिडली इन द मेम्ब्रेन लिपिड वैलियर एक्सेप्ट अच्छा जी हैं इन सब में से जितने भी function वो सारे सारे के क्या करते हैं वो सारे की सारे lipid, membrane की, lipid के के की अंदर करते हैं सिर्फ एक वाला नहीं एक्जस्ट करता अच्छा जी अब सबसे पहले फ्लेक्सिंग ऑफ फैटी चेन आपके एसाइल चेन लिपिड के आपको पता है कि आपके मौजूद है ठीक है और uh, फ्लेक्सिबल ये आपकी जो लिपिड बाय लेयर है लेबल लिपिड है दे आर वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर ठीक है पहली बात तो chain, nature, ये होगी तो फैटी चेन इज फ्लेक्सिबल इन नेचर ये करेक्ट हो गया लेटरल डिफ्यूजन लिपिड लेटरल डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि एक अपर लेयर है एक नीचे वाली लेयर है लिपिड की ठीक है तो जो फॉस्पोलिड है ना बेटा अपनी वाली लेयर के अंदर ही आगे पीछे मूव कर सकते हैं ठीक है इट इज करेक्ट वो आगे ही फॉस्पोलिपिड अपनी अपनी लेयर के अंदर अलोंग द सेम लेयर वो मूव कर सकते हैं थर्ड ऑप्शन इज द रोटेशन अराउंड क्या है मौजूद है उसी के इर्द गिर्द आपस में ही रोटेशन उनकी होगी तो इट इज पॉसिबल वो फ्लेक्सीबल इन नेचर है ठीक है और ये क्या करते हैं सेल को फ्लूडिटी uh, भी प्रोवाइड करते हैं इनका फ्लेक्सिबल नेचर जो है और उनके जो मूवमेंट की वजह uh, से ना सेल को फ्लेक्सीबिलिटी मिलती है

अच्छा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आपको पता है कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया uh, है ये वो ऑर्गेनली है ठीक है और इनके अंदर अपना डीएनए भी होता है तो डीएनए जो आपका माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है बेटा इट इज सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड इन नेचर ठीक है जी अच्छा अगली ऑर्गेनली आपके पास है साइड बैग्स आर कौन सी ऐसी ऑर्गेनली है जो सुसाइड बैग खेलाती है सुसाइड बैग नीज बेटा जो ये जिसके साथ भी जाकर अटैच होगी ये क्या करेगी इंटर्न उसको उसकी ब्रेक डाउन कर देगी उसकी लाइसेंस कर देगी ठीक है तो हम लोगों के पास असल में जो है है ना एक ऐसी ऑर्गेनली गॉट एंजाइम फॉर द दा ब्रेक डाउन ऑफ ऑफ एवरी ईच एंड एंड ऑलमोस्ट ईच एवरी मॉलिक्यूल बायो एंडलिक्यूल के लिए उसके पास एंजाइम है जिससे डिफ्यूज करेगी उसको ब्रेक डाउन कर देगी तो इसको इस वजह से बिकॉज इनके पास ब्रेक डाउन वाले एंजाइम होते हैं हाइडोलेटिक एंजाइम होते हैं इसकी वजह से इनको क्या कहते हैं इनको हम लोग सुसाइड बैग्स भी कहते हैं अच्छा लिप्ड बाई लेबल टू यूरिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड बैलेर कौन से वाला ऐसा कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिससे क्या है जिससे ये जनाब वो इसको पास करने देता अपने अंदर से तो यूरिया की अगर मैं आपके सामने बात करूं ना बेटा तो ये जो है ना ये वो मॉलिक्यूल है दैट दैट इज नॉन नॉन पोलर पोलर इन नेचर ये -पोलर इन नेचर है और ये क्या करता है क्योंकि फॉस्फोलिपिड भी नॉन पोलर इन नेचर है ठीक है और, और तो हेड होता है और हाइड्रोफिलिक हेड होता है हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं लेकिन दे आर कंसिडर टू हाइड्रोपोबे हाइड्रोफोबिक है ठीक है नॉन पोलर कंसिडर किए जाते हैं तो ये क्या करते हैं ये नॉन पोलर होने की वजह से उनके अंदर बड़ा इजिली मिक्स हो जाता है और मिक्स होने की वजह से क्या होता है जनाब ये मिक्स होकर आपके लिपिड बायलेयर से डिफ्यूज आउट कर जाता है डिफ्यूजन कर जाता है ठीक है तो लिपिड बाई इज फर्मिएबल टू यूरिया एंडलाइजिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर प्रेजेंट मेनली इन आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे होती है because, क्योंकि आपके जो सबसे पहले तो आपके जो कॉम्पलेक्सेज है जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चेन के लिए चाहिए वो इन माइट्रोकॉन्ड्रेमरेन के अंदर होते हैं ठीक है और जो एंडम इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो भी सारे उसके अंदर ही होते हैं इनर माइट्रोकॉन्ड्रुएल मेमब्रेन के अंदर होते हैं दैट्स वाई द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चेन इज अकर इन और प्रेजेंट मेनली इन इन माइट्रोकॉन्ड्रोल मेमब्रेन

For the transport of certain, uh, molecules, या बायो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं हैं उसके अंदर मदद करते ठीक है आपको फैसिलिटेट करते हैं तो कैरियर प्रोटीन क्या है आपके पास ट्रांसपोर्ट करवाएंगे एक मटीरियल को भी करा सकते हैं दो मटीरियल को भी करा सकता है और एक और दो अपनी तरफ से जो है ना दो या दो से ज्यादा को भी करवा सकता है आपने देखा होगा कि सोडियम पोटासियम पंप होता है ठीक है उसके अंदर सोडियम पोटासम पंप क्या है इट इज अ प्रोटीन जो कि आपके सोडियम मॉलिक्यूल को मूव करवा रही है और इन टर्न उसके एक्सचेंज के अंदर पोटाशियम को मूव करवा रही है ठीक है तो आपके पास अक्सर ऐसे भी होता है कि एक्सचेंज ऑफ वन सब सांस हो रहा होता है एज टू द अदर ठीक है तो ये सारे के सारे फंक्शन जो है दे आर करेक्ट फॉर कैरियर प्रोटीन ठीक है द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट एम सिक्यू एज डी परफॉर्म ऑल दीज फंक्शन वट इज नॉर्मल पी एच ऑफ ब्लड ब्लड की जो नॉर्मल पी एच है बच्चे वो बात करता है वो क्या है आपकी जो नॉर्मल पी एच है ब्लड की वो सेवन पॉइंट फोर एंड वी हैव टू मेंटेन द पी एच ऑफ द ब्लड क्यों क्योंकि अल्लाह तला ने आपकी बॉडी आपके ब्लड के अंदर एक नेचुरल बफर सिस्टम रखा हुआ है और उस बफर सिस्टम से आपकी जो पी एच है वो सेवन पॉइंट फोर पर ही रहती है अदर देन अगर आपको कोई सटन डिसऑर्डर नहीं हो जाती या डिजीज नहीं हो जाती उसके अंदर आपकी पीएच जो है वो वेरी कर सकती है बट फॉर अ नॉर्मल हेल्थी पर्सन द पी एच ऑफ द ब्लड शुड बी मेनटेन एट सेवन पॉइंट फोर कार्बोनिकाय कार्बोनेट एन आईन ठीक है यहाँ फिर इसको मैं इस तरह भी कह सकती हूँ बायकार्बोनेट बफर जो है ना वो मौजूद है मेरे ब्लड के अंदर ठीक है और इट इज मेंटेनिंग इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटे सेवन पॉइंट फोर ठीक है जी

ठीक है या फिर उसकी जो है ना कंफर्मेशन को चेंज करना या उसकी जो है ना आपके पास जो भी उसके है उसको करना शेप चेंज करना उतना ही चेंज वो होता है डिफरेंट डिफिकल्ट होता है तो बिस्कॉस्टिटी इज एक्चुअली द मेजर ऑफ द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑफ अ गिवन लिक्विड ठीक है द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट एम सी क्यू इज ऑप नंबर एम सी क्यू नंबर ऑप्शन सी जो पी एच स्केल एज, पी एच का स्केल है आपका ठीक है और आपके साइंटिस्ट बायोकेमिस्ट थे उन्होंने आपको पी एच खेल दिया और पी एच के अंदर उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा जनाब हमारे पास जो है ना टोटल पीएच जो है वो पीएच एच असल में नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है उसका स्केल मैंने बना लिया है ठीक है जीरो से लेकर फोर्टीन तक जितनी जो, जो भी ऐसी चीजें हैं सोल्यूशन हैं जिनकी पीएच जीरो से लेकर सेवन तक तो आएगी दे आर कंसिडर एज अल्कलाइन पीएच सॉरी एसिडिक पीएच ठीक है और सेवन टू फोर्टीन जो भी होगी वो बेसिक या अल्कलाइन पीएच कंसिडर की जाएगी तो द स्केल द रेंज ऑफ पीएच दैट डेट गिवन ऑन पीएच स्केल इज जीरो अच्छा अच्छा जी ऑफ अच्छा, आपके पास जो है ना हम लोगों के अगर मैं आपके सामने बात करूं कहता है कि आपकी बॉडी के अंदर हर चीज की एक पर्टिकुलर अल्लाह ताला ने पीएच मेंटेन की हुई है ठीक है और अगर हम लोगों ने वो जो है ना पीएच प्रॉपर फंक्शनिंग करवानी है ठीक है तो जरूरी क्या है जरूरी है हम लोगों के पास कि हम लोग उसको किसी तरीके के थ्रू जो है ना क्या करें नॉर्मलाइज कर मतलब होम्योथिकली वो मेंटेन करें

जो अच्छा हम लोगों के पास क्या है कि हम लोगों ने ज्यादा प्रोटीन एंड रोज़ डाइट खाई है जिसकी वजह से आपकी सर्टन जो है ना एसिड जो कि आपके स्टमक के अंदर रिलीज हो रहा है वो इंक्रीज हो गया तो उस सिचुएशन के अंदर उस स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या कर रहे हो आप एंटीसिड ले रहे हो तो वो एंटीसिड कहते हैं एंटीसिड की जो पीएच होती है ना वो ज्यादा से ज्यादा क्या होती है आपके पास इक्वल होगी या फिर लेस देन होगी सेवन सेवन से कम होगी या सेवन के बराबर होगी क्योंकि जो आपका एसिडिक जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर रिलीज होता है ना उसकी पीएच बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक होती है टू के करीब होती है ठीक है तो इसको न्यूट्रिलाइज करने के लिए हम इतनी पीएच का एंटेसिड देते हैं सोल्यूशन इज जीरो पॉइंट फाइव फाइव मोलर हाइड्रोजन पी एच ऑफ द सोल्यूशन आपको पता है कि हम लोग जो है पी एच अगर मेरे पास किसी uh, के मैंने निकाली हूँ लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइन या फिर हाइड्रोनियम आईन या फिर अगर, अगर आपने जो भी कंसल्ट्रेशन फाइन करनी है तो पी एच का फॉर्मूला वाला लगाओ कि पी एच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइन तो यहाँ पे क्या यहाँ पे आपको जीरो पॉइंट जीरो फाइव फाइव मोलर

जीरो टू फाइव मोलर है ठीक है तो कहता है कि पीएच और पीएच निकाल के दिखाओ मुझे पहले पीएच का फॉर्मुला लगाएंगे आप पीएच इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू लगा दोगे जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो 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 टू फाइव ठीक है उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो पीएच आएगी वो थ्री पॉइंट सिक्स आएगी और आपको पता है जो नॉर्मल कम्प्लीट पी एच खेल है वो आपका कितना होता है वो आपका होता है जनाब पीएच सेवन Plus 7 is equal to 14. तो जितनी भी पी एच आएगी उसको आपने 14 के अंदर से है जी अच्छा पॉसिबल आपके पास कौन सी ऐसे लिक्विड की सिलाहियत के आपके जितने कम एरिया वो घेर सके उतना कम एरिया वो घेर ले वो उसकी क्या कहलाती है वो कहलाती है ठीक है, है जी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट एमसीक्यू सी इज ऑप्शन बी ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन टेंशन ऐसा यूनिट जो है किसके अंदर हम लोग कर सकते हैं वो हम लोगों के पास है. SI किसने को मै जो है ना इन्वेंट किया तो आपका जो थे वो फर्स्ट बायोकेमिटेड दी एच स्केल और अभी तक वही पी एच स्केल इज बी यूज फॉर डिफरेंट साइंटिस्ट मैयर पी एच ठीक है for today.